और ट्रेडर जिनका इतना नुकसान हो गया था कि इनको अपनी मदर की ज्वेलरी बेचनी पड़ी, और ट्रेडर हु इज अ लिविंग प्रूफ कि स्टॉक मार्केट में सर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, अ ट्रेडर जो फिर एक इन्वेस्टर बने और उन्होंने वेल्थ इकट्ठी करी ऑफ 700 करोड़, बीइंग वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट इन्वेस्टर्स। मैं बात कर रहा हूं विजय केडिया की। Buy like a bull, sit like a bear, and walk like an eagle. आज ना गोयला आपको उस आदमी की स्टोरी बताएगा जिसको मैं पर्सनली खुद अपने एक स्टॉक मार्केट गुरु मानता हूँ, जिनके इंटरव्यूज में कभी देखने की अपॉर्चुनिटी मिस ही नहीं कर सकता। वो है विजय केडिया। आपको आज इनकी पूरी स्टोरी बताऊंगा, इनकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और फिर बात करते हैं इनसे इंपॉर्टेंट लेसन कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इनकी स्टोरी के साथ। विजय केडिया सर की जो कहानी है ना, ये क्विंटेसेंशियल कहानी है कि एक आदमी रैग्स टू रिचेस कैसे पहुंचता है। मलवारी फैमिली में बॉर्न हुए थे और वो फैमिली का काम ट्रेडिंग में था और स्टॉक ब्रोकिंग में था। कुछ खास एडुकेशन क्वालिफिकेशन के पास है ही नहीं, बट उसके बावजूद ये आई एम बैंगलोर और आई एम अहमदाबाद में स्पीकर रह चुके हैं, शोइंग अस स्टॉक मार्केट में ना सिर्फ एडुकेशनल डिग्रीज के भरोसे कुछ नहीं होता। अब कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। इनकी फैमिली थी ट्रेडिंग और स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। इन्होंने अपने ग्रैंडफादर के साथ ना ट्रेडिंग शुरू कर दी थी सिंस द एज ऑफ 14, बट पर्सनली स्पीकिंग ये जाना चाहते थे इंडियन आर्मी में। बट कहते हैं ना, जब हाथों की लकीरों में कुछ लिखा हो उसको कोई नहीं बदल सकता। तो बस फिर डेस्टिनी ने ही इनकी जिंदगी को आगे का मोड़ दिखाया। इनकी लाइफ में एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज हुई जहां पे विजय केडिया सर 19 ईयर्स के थे और इनके फादर पास्ट अवे, बिकॉज ऑफ विच जो स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस था इनके फादर का, इनको संभालना पड़ा। 3 साल तक वो बिजनेस संभाला भी, बट केडिया सर का कभी इंटरेस्ट ब्रोकिंग में था ही नहीं, तो उन्होंने शुरुआत की अपने ट्रेडिंग करियर की। अब सर के जो इनिशियल डेज थे ट्रेडिंग के, वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत सक्सेसफुल थे। पहले साल तो ये बहुत अच्छे प्रॉफिट से आए। फिर उन्होंने देखा जैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ते गए, 1.5 साल बाद इनको लॉसेस होने लग गए और लॉसेस होने लग गए, सो मच सो ये ओवरऑल लॉस में आने लग गए। इन्होंने ये रियलाइज किया कि शायद जो उनका ट्रेडिंग का पहला सक्सेसफुल साल था वो लक था, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रॉफिट तो बहुत कमाने थे, बट जब बड़ा लॉस होता था ना वो वैसे 50 प्रॉफिट खा जाता था। और इसी की वजह से जो भी प्रॉफिट्स उन्होंने पहले साल कमाए थे वो तो सब साफ हो गए, और ये ट्रेडिंग से ना ज्यादा कमा ही नहीं पा रहे थे। और इनकी लाइफ में एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट तब आया जब ये 70,000 रुपए खो चुके थे हिंदुस्तान मोटर्स में सिर्फ 2 से 3 दिनों में। विजय केडिया सर की मदर को ज्वेलरी बेचनी पड़ी कि वो अपने बेटे के लॉसेस संभाल पाए। हाँ, आगे जाके विजय केडिया ने वो पैसे वापस निकाल तो लिए, बट जो एक्सपीरियंस था अपनी मदर की ज्वेलरी बिकवा देना, ये इनके लिए इतना ट्रॉमेटाइजिंग था, इन्होंने डिसाइड किया इनको ट्रेडिंग करनी नहीं है, और उन्होंने ट्रेडिंग वहीं पे छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की जहाँ पे ये कैलकटा में जो टी गार्डन्स होते थे उनको सप्लाई करते थे, और वो कंपनी फेल हो गई। ऑप्शन कुछ था नहीं तो दोबारा ट्रेड करना शुरू किया, बट इस बार उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ट्रेड करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉसेस के चक्कर में, बस वो सिंपल ट्रेड्स करते रहेंगे और ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ये तब था जब उनको स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में ना 10-11 साल हो चुके थे। विजय भाई, आपको कब पता चला कि ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर यू? ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, ये मेरे को पता चला 10 साल मशक्कत करने के बाद में। 10 साल तक मैं ट्रेडिंग में जूझता रहा और उसी के अंदर में गिरता रहा और डूबता रहा उसके अंदर में। 10 साल बाद मेरे को समझ में आया कि शायद मैं ये कटआउट मेरे लिए नहीं है, ये मेरे को ये कहीं पहुंचा नहीं पाएगा, शायद मेरे लिए नहीं है ये। तो 10 साल तक उसमें स्ट्रगल भी लगा। और फिर आया 1989 जहां पे उन्होंने डिसाइड किया उनको ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, और उन्होंने ट्रेडिंग कंप्लीटली छोड़ दी, और वहां पे होता है उनका जिंदगी का सेकंड चैप्टर शुरू, द जर्नी फ्रॉम अ ट्रेडर टू एन इन्वेस्टर। तो सबसे पहले तो विजय केडिया सर ने कैलकटा से मुंबई शिफ्ट होने का डिसीजन लिया, बिकॉज मुंबई एक कैपिटल हब था और फाइनेंस हब है, अभी भी है। अब वहां पे इतनी इंटरेस्टिंग चीज हुई, विजय केडिया सर ने एक रैंडम आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल में समझाया था अबाउट साइक्लिकल सेक्टर्स। साइक्लिकल सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो स्ट्रक्चरली ऊपर नहीं चढ़ते, वो ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे।
तो साइक्लिकल सेक्टर तब खरीदने चाहिए जब वो दोबारा ऊपर जाने की रेंज में। अब उसी आर्टिकल में ये पढ़ा कि अब जो ट्रैक्टर्स है ना वो दोबारा ऊपर जा रहे हैं, जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है वो बड़ा अच्छा कर रही है। उसके चक्कर में विजय खेड़िया की नजर पड़ी पंजाब ट्रैक्टर्स में। इस स्टॉक में थोड़ी बहुत रिसर्च की, फंडामेंटली देखा कि प्राइस ठीक है कि नहीं है, और उसके बाद 50 रुपए का स्टॉक ले लिया। और 3 साल बाद पंजाब ट्रैक्टर्स 10 टाइम्स हो गया। ROI तो बहुत तगड़ा आया, बट सर ने इतने पैसे स्टॉक्स नहीं कमाए, बिकॉज जो उन्होंने स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए थे जो उनका बेस था वो ही कम था। विजय केडिया सर बोलते हैं कि उस समय ही रियलाइज कि इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है, वो तो बस हम लोग हैं जिनको कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद आती हैं और जो हर चीज को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब टाइम आता है हर्षद मेहता का। अब 1993 में विजय केडिया सर ने AC से कुछ स्टॉक लिया 300 रुपए का, 1.5 साल बाद वो स्टॉक बेचा 3,000 रुपए का। और जो पूरा बुलरन आप देख रहे हो ना, ये हर्षद मेहता के टाइम का है। विजय केडिया सर बोलते हैं इस पैसों से उन्होंने अपना मुंबई में पहला घर लिया। इससे विजय केडिया सर का कॉन्फिडेंस दोबारा अलग सीमा में पहुंच गया। बट फिर जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ, ही वेंट इन हैवी 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 लॉसेस। वहां से विजय केडिया सर बोलते हैं उनको एक और लर्निंग मिली। वो बोलते हैं इन्वेस्ट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, मिनिमम ऑफ 5 years। रोम ना एक दिन मिनिमम ना था, और स्टॉक को टाइम देना चाहिए मेच्योर होने का कि वो स्मॉल कैप से मिड कैप बने और फिर लार्ज कैप। अब अगर आप विजय केडिया सर को फॉलो करते हो ना, आपको पता चलेगा कि इनका इंटरेस्ट ज्यादातर स्मॉल कैप कंपनीज में ही रहता है, बट इनकी शुरुआत इतनी आसान नहीं रही थी। ये बोलते हैं कि इनको लोगों ने भर भर के डिस्करेज किया कि क्या स्मॉल कैप कंपनीज देके बैठे हो। इन्होंने कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो 2 साल तक कहीं भी नहीं ली, बट 2 साल बाद दे गेव मल्टी बैगर रिटर्न्स। विजय केडिया सर बोलते हैं इन्वेस्टिंग का मतलब सिंपल है, यू बाय गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, उनको आप लॉन्ग टर्म होल्ड करो और वो आपको रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। एंड विजय केडिया सर ना इस चीज की खुद टेस्टिमेंट है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी 35,000 रुपीज से और आज उनकी नेटवर्थ है 700 करोड़। और इस जर्नी में सिर्फ 1-2 अच्छे स्टॉक्स नहीं है, बहुत सारे पावरफुल मल्टी बैगर्स रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 10 साल में जो उनके पास रिटर्न आई है ना, इट इज ओवर 1000%। इनके कुछ स्टॉक्स अतुल ऑटो, एगिस लॉजिस्टिक्स, सेरा सैनिटरी वेयर, ये रहे हैं उनके कुछ मल्टी बैगर्स। इसके पीछे एक जो विजय केडिया सर खुद बोलते हैं कि उनके लिए बहुत की रोल प्ले करता है, वो है मैनेजमेंट। वो बोलते हैं किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट शुड बी एक्सपीरियंस, इट शुड बी एग्रेसिव, ट्रांसपेरेंट, एंड इट शुड बी कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू अ बिजनेस। वो बोलते हैं अगर आप ऐसी मैनेजमेंट ढूंढ लो तो ये मैनेजमेंट अपनी आप की इज्जत बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए विल मेक श्योर कि आपको कुछ ना हो। इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप देखते हैं अंडर चंदा कोचर, ICICI बैंक ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बट जब मैनेजमेंट चेंज हुई ICICI बैंक परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली वेल। और अगर आप सोच रहे हो कि मैनेजमेंट को एनालाइज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो चिंता मत करो, गोयला के पास आपके लिए पूरा एक सोल्यूशन है, बट वीडियो के एंड में तो देखते जाओ। बट गोयला, विजय केडिया सर ने सब ढूंढा कैसे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? वेल, अब उनकी स्ट्रैटेजी की ही बात करेंगे। विजय केडिया सर की स्ट्रैटेजी है स्माइल। स्माइल बोले तो स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशंस एंड एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। और ये स्ट्रैटेजी ना विजय केडिया सर को इतनी सूट करती है, बिकॉज आप उनका कोई भी इंटरव्यू देख लो, उनके यूट्यूब चैनल में उनका कंटेंट देखो, मतलब वो पूरे टाइम हंसते ही रहते हैं। आई कांट इवन इमेजिन हिम कि वो कभी सैड हो या कभी सीरियस हो। एंड आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी एकदम ब्यूटिफुली उनकी पर्सनैलिटी को सूट करती है और पोर्टफोलियो सर करती ही करती है। और अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। विजय केडिया सर का देखो सिंपल फंडा है कि अगर आपको स्टॉक्स में 10x रिटर्न चाहिए, 100x रिटर्न चाहिए, सबसे पहली चीज जिन स्टॉक्स में आपको बहुत ज्यादा बिलीफ और हाई कन्विक्शन है, उन स्टॉक्स को आपको बेयर रन में भी होल्ड करना है। और आपको पता है बिलीफ कन्विक्शन आता कैसे है? जब एक स्टॉक में आप अच्छी रिसर्च करते हो तब आप कन्विक्शन आता है। अगर आपने बस हीरो से में इन्वेस्ट किया है, कन्विक्शन कभी आ ही नहीं पाता है। सेकंड चीज जो सर बोलते हैं, सिर्फ बाय एंड फॉरगेट मत किया करो, अपने स्टॉक्स को टाइम टू टाइम ट्रैक करके देखा करो कि वो परफॉर्म कैसे कर रहा है। एंड थर्ड चीज कि एक आदमी को स्टॉक मार्केट में अच्छे पैसे डालने चाहिए, तभी उसकी रिटर्न्स अच्छी आएंगी, वरना कुछ फायदा ही नहीं है। अगर पूरा समराइज कर दूं ना आपके लिए, तो सिंपल बात ये होती है जिन स्टॉक्स में आपकी हाई कन्विक्शन है उनको आप लॉन्ग टर्म होल्ड करो, दैट इज द की टू फाइंड अ मल्टीबैगर। अब आ जाते हैं सर विजय केडिया सर के पोर्टफोलियो पे, एंड इट इज एक्सेप्शनल। अगर इनका पोर्टफोलियो देखूं, एज पर सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 इनकी नेटवर्थ है ऑफ 770.7 करोड़। ये आपको पूरा पोर्टफोलियो दिख रहा है, और यहाँ पे आपको वो दिख रहा है कि जब से विजय केडिया सर ने स्टॉक खरीदा है कितना परसेंटाइल प्रॉफिट इनको हुआ है। तेजस नेटवर्क्स में
1071.7% का प्रॉफिट हुआ, न्यूलैंड लैबोरेटरीज में 308.2% का प्रॉफिट हुआ, फिर वैभव ग्लोबल में 285.4% का, और सारे स्टॉक्स की डिटेल आपको दिख रही है, और ये सारी होल्डिंग्स विजय खेड़िया सर की पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। सेकंड, अब मैं आना चाहता हूँ कि विजय खेड़िया सर कौन सा सेक्टर चूज कर रहे हैं, ठीक है? अब इनका आप सेक्टर ब्रेकअप देखिए, सबसे ज्यादा इनकी 30.1% होल्डिंग है टेलीकॉम में, फिर है जनरल इंडस्ट्रीज में, फिर है टेक्सटाइल्स में, फिर है डाइवर्स कंजम्पशन सर्विसेज में, और आपको पूरी लिस्ट दिख रही है। तो ऐसे नहीं कि इनका पोर्टफोलियो सिर्फ एक दो सेक्टर या तीन चार सेक्टर्स में टिका हुआ है, ही इज इन 10+ सेक्टर्स। और फिर बात करते हैं कि जब स्टॉक्स खरीदते हैं तो किस वैल्यू पे खरीदते हैं। वैसे इसका पी देखने के लिए यहाँ पे आइए, जैसे आप देख सकते हैं इनकी जो स्टॉक होल्डिंग है 11% है सेल जोन में, मतलब इन स्टॉक्स का पीई बहुत ज्यादा है। 11% स्टॉक्स है बाय जोन में, मतलब पीई एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन में, एंड 78% स्टॉक्स मेजोरिटी ऑफ देम न्यूट्रल पीई जोन में है। इसका मतलब क्या है, जब विजय केडिया सर स्टॉक खरीदते हैं ना, अच्छी और स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन में स्टॉक खरीद रहे हैं, ये सिर्फ वो स्टॉक्स नहीं खरीद रहे जिनकी पीई खत्म हुई पड़ी है। अब आते हैं वो चार प्रिंसिपल जो विजय केडिया सर सबको बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या आपको नहीं करना है। सबसे पहला, नेवर रिलाय ऑन टिप्स, बिकॉज अगर आपको कोई टिप दे रहा है ना तो वो खुद गलत हो सकता है। जब तक आप टिप लोगे आपको खुद कन्विक्शन कभी आएगी ही नहीं, और चांसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग कैन बी एक्सट्रीमली हाई। सेकंड, कभी भी स्टॉक मार्केट्स में पैसे लोन लेके इन्वेस्ट मत करिए। विजय खेड़िया सर सेज कि ये करना इतना रिस्की है ना, दिस कैन कॉज इंस्टेंट डेथ। लेस देन 1% ट्रेडर्स हमारे देश में प्रॉफिट कमा रहे, ये सभी रिपोर्ट आई थी। और जस्ट इमेजिन कितने लोगों ने जो लोन ले रखा होगा स्टॉक मार्केट्स के लिए, उनके भी क्या हालत हो रही होगी। थर्ड, कभी भी आपको स्टॉक मार्केट्स की इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना है। सो एज अ इन्वेस्टर और अ ट्रेडर आपके पास साइड इनकम सोर्स या बिजनेस होना चाहिए। एंड फोर्थ, नेवर रिपीट द सेम मिस्टेक। आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत जरूरी है कि आप देखो आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, इन्वेस्टिंग जर्नी में आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, सो दैट आप उनको बार बार ना दोहराओ। जैसे विजय केडिया सर की लाइफ में, ही डिड ट्रेडिंग, ही सॉ ट्रेडिंग, उनकी बस की बात नहीं है, उन्होंने कभी ट्रेडिंग की ही नहीं। नेवर रिपीट द सेम मिस्टेक्स। अब आते हैं फाइनली गोयला के लेसन्स की, पर्सनली मैं इनकी स्टोरी से क्या सीखा हूं। लेसन नंबर वन आता है, स्टार्ट विद ट्रेडिंग, एंड विद इन्वेस्टिंग। मेरा एक बहुत फर्म बिलीफ है, इफ यू आर नॉट अ गुड ट्रेडर यू कैन नेवर बी अ गुड इन्वेस्टर, एंड इफ यू आर अ गुड ट्रेडर यू विल ऑटोमेटिकली कम इन टू इन्वेस्टिंग। ये एक बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन है, जहां जो भी आदमी स्टॉक मार्केट में एंटर करता है ना, वो हमेशा ट्रेडर ही बनना चाहता है। पर्सनली स्पीकिंग ये जर्नी ना मैंने 13 साल में खुद रियलाइज की है, जहां मैं स्टॉक मार्केट के पहले 3-4 साल मैंने सिर्फ हार्ड कोर ट्रेडिंग की है, बट हल्के 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 मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ लीन कर गया हूं, बिकॉज यू ऑटोमेटिकली रियलाइज, और आपको ये खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इन्वेस्टमेंट एक बेटर डिसीजन है। सेकंड लेसन, सबकी लाइफ में लो पॉइंट आते हैं यार। विजय केडिया सर की मदर को अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ गई, कैन यू इमेजिन एक बेटे को कैसा लगा होगा उस समय। उन्होंने कैलकटा में बिजनेस खोला, फेल कर गया। अगर आपकी लाइफ में लो पॉइंट आ रहा है, डोंट वरी, बिकॉज जो आपका लो पॉइंट है ना, जब आप एकदम स्टॉप में पहुंच जाओगे, पीछे देखोगे ना, उसी लो पॉइंट को आप करोड़ों को बताओगे और इंस्पायर करोगे। लेसन नंबर 3, कभी भी अपने आप को ये मत बोलना मैं छोटा इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास कम पैसे हैं, छोटा इन्वेस्टर, छोटा पोर्टफोलियो, छोटी सोच, कभी ये नहीं सोचना है। विजय खेड़िया सर ने 35,000 शुरू किया था, अब उनके पास 700 करोड़ है, तो आप अपने आप को ये बहाना कभी मत देना कि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है टू इन्वेस्ट। 4th लेसन, टिप्स मत लेना। अभी मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, अब मैं बहुत बार इंडस्ट्री एनालिसिस करता हूँ, स्टॉक्स एनालिसिस करता हूँ, और ये मेरी नोटिस में है कि बहुत लोग इसको टिप्स की तरह लेते हैं। ये टिप नहीं है, बिकॉज अगर मैंने रिसर्च शेयर की, आपने उस बेसिस में खरीद लिया, कि आपको स्टॉक में कभी कन्विक्शन आएगा नहीं, आप बस मोटिवेटेड हो मेरी वीडियो देख के, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मैं एनर्जी के साथ बताता हूँ, बट वो कन्विक्शन आपको आएगी ही नहीं, तो स्टॉक को क्या आप लॉन्ग होल्ड कर पाओगे, चांस ही नहीं है। तो प्लीज डू योर ओन एनालिसिस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। एंड फाइनल एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, एज ए इन्वेस्टर ट्रेडर नो, आपको एक साइड बिजनेस खोलना चाहिए। मुझे भी इनकम चाहिए थी, और मैं अपनी इनकम पे स्टॉक मार्केट डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, इसी वजह से मैं ट्रेनिंग बिजनेस में आया, मेरा पूरा स्टॉक मार्केट का कोर्स है, और मैं कंटेंट क्रिएशन में आया। ये मैं क्यों करूं, इतना एफर्ट क्यों डालता हूं, टू क्रिएट दैट साइड इनकम, सो दैट मैं मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करूं और मुझे स्टॉक मार्केट पे इनकम डिपेंडेंस ना हो। और फाइनल लेसन, कि मैनेजमेंट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैनेजमेंट को पढ़ना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है, बट गोयला ने आपका एक काम आसान कर दिया है। वॉच दिस वीडियो ऑन हाउ टू एनालाइज द मैनेजमेंट, वीडियो लंबी है, but trust me, this will be your ultimate tool.